हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी के पहले वाले लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब होता है जब एजेंसी ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रेफर्स टू एंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। जब एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है वो पूरा हो जाता है, उसको हम लोग कहेंगे कि एजेंसी का टर्मिनेशन हो गया है। अब देखो, एजेंसी जो है दो तरीके से टर्मिनेट होती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये चार्ट आप देख लो अच्छे से, क्योंकि यही पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम्स में भी आपको ऐसा ही चार्ट बनाना है। देखो, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में तीन तरीके से है, बाय एग्रीमेंट, रेवोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड बाय रिनंसिएशन ऑफ बाय एजेंट। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ में सात तरीके से है, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस और एक्सपायरी ऑफ टाइम, डेथ ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट, इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रिंसिपल बिकम एलियन एनिमी एंड डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी। ये सात तरीके हैं। सेक्शन 201 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मे बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग टू वेज। दो वेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। पहला है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज और दूसरा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि हमने चार्ट में पढ़ा था कि टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में तीन है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और तीसरा है रिनंसिएशन बाय द एजेंट। एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हुआ कि एक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टीज कौन है यहाँ पे? जब प्रिंसिपल या फिर एजेंट टर्मिनेट कर रहे हैं, उनके एक्ट से अगर टर्मिनेशन हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। चाहे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टर्मिनेशन बाय एन एक्ट ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, सबसे पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपसी रजामंदी से कोई काम को वो पूरा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जैसे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को शुरू करते हैं, उसी तरीके से वो ख़त्म भी कर सकते हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज एट एनी टाइम एंड एट एनी स्टेज। किसी भी टाइम पे और किसी भी स्टेज पे एक दूसरे की कंसेंट लेकर वो इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा है रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। रिवोकेशन का मीन्स क्या होता है? वापस लेना अथॉरिटी को या फिर कैंसिल कर देना अथॉरिटी को। सेक्शन 203 कहता है द प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल अनलेस द एजेंसी इज रिवोकेबल बट द प्रिंसिपल मस्ट नोटिफाई द थर्ड पार्टी ऑफ हिज रिवोकेशन ऑफ द एजेंसी। इसका मतलब प्रिंसिपल जब चाहे एजेंट की अथॉरिटी वापस ले सकता है, यानी कि उसको मना कर सकता है कि अब आप ये काम मत करो। लेकिन ये चीज़ उसको कब करनी है? एजेंट के काम करने से पहले। मींस एजेंट ने काम नहीं किया है, काम शुरू नहीं किया है, उससे पहले वो इस अथॉरिटी को रिवोक्ट कर सकता है। लेकिन एक बार उसने काम शुरू कर दिया है, उसके बाद प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है, फिर वो रिवोक्ट नहीं कर सकता। और एक और बात है इसमें, अगर प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक्ट कर रहा है, वापस ले रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो इसकी सूचना, इसकी जो नोटिस जो है, थर्ड पार्टी को भी मिलनी चाहिए। यानी कि एजेंट ने जिसके साथ डील किया है, उस थर्ड पार्टी को भी प्रिंसिपल जो है उसको नोटिफाई करे कि भाई आज के बाद ये मेरा एजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एजेंट ने काम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल बाउंड हो गया है, तब वो अथॉरिटी को रिवोक्ट नहीं कर सकता। ये याद रखना, यही लिखा है इसमें सारा। अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। पहला है वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्शियली एक्सरसाइज, प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक्ट हिज एजेंट्स अथॉरिटी। जब प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया और उस काम को एजेंट ने आधा कंप्लीट कर दिया है, मीन्स आधा तो कर दिया उसने और आधा बाकी है, तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल जो है वो एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। ओके, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा है वेयर द एजेंसी इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड द प्रिंसिपल रिवोक्स द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड विदाउट सफिशियंट सब्जेक्ट मैटर कॉज, द प्रिंसिपल इज बाउंड टू पे कंपनसेशन टू द एजेंट फॉर रिजल्टिंग लॉस। देखो, अगर एजेंसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए दी गई है, फॉर एग्जाम्पल चार साल के लिए एजेंसी फिक्स की गई है,
अब 4 साल से पहले ही, 4 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और उससे पहले ही प्रिंसिपल जो है एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर रहा है बिना किसी रीज़न के, विदाउट सफिशिएंट सब्जेक्ट मैटर कॉज। इसका मतलब क्या है, बिना किसी रीज़न के द प्रिंसिपल इज़ बाउंड टू पे कंपनसेशन। तो ऐसा करने से अगर एजेंट को किसी प्रकार का लॉस होता है, टाइम पीरियड के पहले ही एजेंसी को रिवोक्ड करने से अगर एजेंट को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को कंपनसेट करेगा। क्या बोला मैंने, एजेंसी अगर फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, फॉर एग्जांपल 4 इयर्स, और 4 इयर्स के पहले ही प्रिंसिपल जो है वो अथॉरिटी रिवोक्ड कर रहा है, और रिवोक्ड करने से अगर एजेंट को किसी प्रकार का लॉस हो रहा है प्रिंसिपल की वजह से, इस रिवोकेशन की वजह से, तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से कंपनसेशन मांग सकता है। ये सेक्शन 205 कहता है। थर्ड है, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रिवोकेशन बिफोर रिवोकिंग द अथॉरिटी टू एजेंट, अदरवाइज कंपनसेशन मस्ट बी पेड बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। अब रिवोकेशन से पहले, रिवोकेशन से पहले एक रीजनेबल नोटिस जो है प्रिंसिपल को एजेंट को सेंड करना पड़ेगा, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उस केस में एजेंट जो है प्रिंसिपल से कंपनसेशन मांग सकता है। सेक्शन 206 कहता है ये, एक रीजनेबल नोटिस सेंड करना होगा एजेंट को। ओके, फोर्थ है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड अनलेस देयर इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी परमिटिंग सच रिवोकेशन। देखो, अगर एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है, एजेंट का अगर पर्सनल इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो उसकी अथॉरिटी को रिवोक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ परमिशन से कर सकता है। यानी कि जब तक एजेंट परमिशन नहीं दे देता रिवोक्ट करने का, तब तक वो रिवोकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, सी है, रिनंशिएशन बाय द एजेंट। अब जिस तरह से प्रिंसिपल ने रिवोक्ट किया है अथॉरिटी को, उसी तरीके से एजेंट भी बोल सकता है किसी भी टाइम पे कि अब मुझे इस अथॉरिटी से मुक्त होना है। एजेंसी कैन बी रिनंशिएटेड बाय द एजेंट इज द सेम मैनर इन विच द प्रिंसिपल कैन रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट भी कर सकता है रिनंशिएट उसी तरीके से जैसे कि प्रिंसिपल कर सकता है एजेंट के अथॉरिटी को। ये कैसे होगा, बाय सर्विंग अ नोटिस टू प्रिंसिपल। अब एजेंट को भी एक नोटिस देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। देखो, जैसे हमने सेक्शन 205 और 206 पढ़ा है, इधर भी सेक्शन 205 और 206 आपको लिखना है। मैंने वापस रिपीट नहीं किया है क्योंकि मैंने एक बार आपको समझा दिया है कि अगर एजेंसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए है और अगर प्रिंसिपल पहले ही रिवोक्ट कर देता है एजेंट के अथॉरिटी को, और उससे उसकी वजह से अगर एजेंट को लॉस होता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को कंपनसेट देना पड़ेगा किसको, एजेंट को। तो वही सेम चीज़ एजेंट पे भी अप्लाई होती है। अगर एजेंट ने टाइम फिक्स टाइम पीरियड से पहले ही मना कर दिया है, रिनंशिएट कर दिया है उसकी अथॉरिटी को, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल को कोई लॉस होता है तो एजेंट जो है कंपनसेट करेगा किसको, प्रिंसिपल को। सेक्शन 206 वही सेम, रिनंशिएशन से पहले एजेंट को क्या करना पड़ेगा, एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा किसको, प्रिंसिपल को, कि इस तारीख से मैं आपका एजेंट नहीं हूँ। ओके, अब सेक्शन 207 क्या कहता है, रिवोकेशन और रिनंशिएशन, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल एंड रिनंशिएशन बाय एजेंट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट। तो जो रिवोकेशन और जो रिनंशिएशन हो रहा है एजेंट और प्रिंसिपल के द्वारा, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इट मीन्स बाय ओरल और बाय रिटन हो सकता है, और इम्प्लाइड मीन्स बाय द वे ऑफ कंडक्ट। बाय द वे ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या होता है, बाय बिहेवियर। बिहेवियर का एग्जाम्पल देते हैं, ए ऑथोराइज बी टू लेट आउट हिज हाउस ऑन रेंट एंड लेटर लेट्स इट आउट हिमसेल्फ। ए ने बी को ऑथोराइज किया, यानी कि ए प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है, कि ए ने बी को बोला कि तुम मेरा हाउस जो है रेंट पे डाल दो, और बाद में क्या होता है कि जो वो ए है पहले तो बोल देता है बी को कि तुम मेरा हाउस जो है रेंट पे डालो, और बाद में वो खुद ही डाल देता है रेंट पे। यानी कि इसके बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि जो इसने क्या किया है, इम्प्लाइड रिवोकेशन किया है बीज के अथॉरिटी को। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ बीज अथॉरिटी, मीन्स बी को जो अथॉरिटी दी गई थी उसको रिवोक्ट कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है ए ने। तो ये तीन चीज है,
टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, तो मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ. सबसे पहला है कि टर्मिनेशन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों ही पार्टीज आ रही है पहले में. दूसरा है रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के द्वारा रिवोकेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है. और तीसरा है रिनन्शिएशन बाय द एजेंट, यानी कि एजेंट के द्वारा अब वो उस अथॉरिटी को कैंसिल कर रहा है. तो पहले में दोनों ही ऐड है और फिर एक एक, तो तीन चीज़ ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई. दूसरा है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. अब ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से भी टर्मिनेशन होता है. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस और एक्सपायरी ऑफ टाइम, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इनसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, फिफ्थ डिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रिंसिपल बिकम एलियन एनिमी एंड डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी. अब यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ लिखनी है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है. दैट सर्टेन इवेंट्स और लीगल सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली ब्रिंग एंड एंड टू एजेंसी रिलेशनशिप. ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं या लीगल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिससे कि एजेंसी रिलेशनशिप जो है ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है. दिस सिचुएशंस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, और ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जो वहाँ पे पार्टीज जो है कंट्रोल नहीं कर सकती उस सिचुएशन को, एंड आर प्री डिटरमाइंड बाय लॉ, और लॉ के द्वारा प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से डिटरमाइंड होते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस और एक्सपायरी ऑफ टाइम. देखो, जब जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का क्रिएशन हुआ है, वो पर्पस पूरा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है. या फिर जिस टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है और वो 2 साल पूरे हो गए हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है. वंस द पर्पस फॉर विच द एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इज फुलफिल, जिस मकसद के लिए एजेंसी को बनाया गया है वो पूरा हो रहा है, फुलफिल मीन्स पूरी हो गई है, द एजेंसी रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, तब यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप पूरी हो जाती है. मीन्स द टास्क और ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो टास्क और जो ऑब्जेक्टिव है फॉर विच द एजेंट वॉज अपॉइंटेड इज अचीव्ड, देर इज नो लॉन्गर अ नीड फॉर एजेंसी टू कंटिन्यू. यानी कि जो टास्क, जिस टास्क के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस एम के लिए एजेंट को रखा गया था वो अचीव्ड हो गया है, अब यहाँ पे एजेंसी को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरा हो जाता है. सिमिलरली वेयर द एजेंसी हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम, उसी प्रकार से अगर फिक्स टाइम के लिए एजेंसी क्रिएट हुई है, एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम, तो जब उस टाइम का एक्सपायरी हो जाती है तो एजेंसी जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, दूसरा है डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, अगर दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होना है. व्हेन आइदर द प्रिंसिपल और द एजेंट डाइज द एजेंसी रिलेशनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड. थर्ड है इनसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इनसैनिटी किसे बोलते हैं, जो पर्सन अभी सेन नहीं है, जो पर्सन अभी साउंड माइंड का नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, तो अगर प्रिंसिपल या फिर एजेंट दोनों में से कोई भी एक अगर इनसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो रिलेशनशिप जो है टर्मिनेट हो जाती है. फोर्थ है इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, इंसॉल्वेंसी मीन्स अगर प्रिंसिपल दिवालिया घोषित हो गया है तब उस केस में भी जो है एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है. फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देखो जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए एजेंसी क्रिएट हुई है उसका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसका सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे एजेंसी को टर्मिनेट होना ही है. देखो, एन एजेंसी विच इज़ क्रिएटेड टू डील विद द स्पेसिफिक मैटर कम्स टू एन एंड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, तो जब एजेंसी को बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो तब पूरा हो जाता है जब उसका सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो जाता है. देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. इफ एन एजेंट इज अपॉइंटेड टू मैनेज अ स्पेसिफिक पीस ऑफ प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और नेचुरल डिजास्टर, देयर इज नो लॉन्गर एनी पर्पस फॉर एजेंसी टू कंटिन्यू. अगर किसी एजेंट को रखा गया है एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कि इतनी प्रॉपर्टी आपको मैनेज करनी है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, फायर लग गई मान लो, वहाँ पे आग लग गई, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिससे कि वो प्रॉपर्टी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके बाद जिस मकसद के लिए एजेंट को रखा गया था वो मकसद ही ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तब यहाँ पे एजेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है. ठीक है,
सिक्स्थ इज प्रिंसिपल और एजेंट बिकम्स अ एलियन एनिमी. अगर प्रिंसिपल या फिर एजेंट एलियन एनिमी बन जाते हैं, यानी कि इफ आइदर द प्रिंसिपल और द एजेंट बिकम्स एन एलियन एनिमी, मीनिंग दे आर सिटीजन और रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट वॉर, यानी दुश्मन की कंट्री के साथ अगर आपने कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी किया है, दोनों देशों में अगर दोनों कंट्रियों में अगर वॉर चली जाती है, तो उस समय जो कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है. यानी कि दुश्मन वाली कंट्री के साथ अगर आपने कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी किया है, तो अगर उन दोनों देशों में अगर वॉर छिड़ गई है, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि अब वो हमारी दुश्मन कंट्री है. लास्ट इज डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी. व्हेन अ कंपनी विच इज फंक्शनिंग एज द प्रिंसिपल और द एजेंट इज डिसॉल्व्ड, द एजेंसी कॉन्टेक्ट कम्स टू एन एंड. देखो, अगर कोई कंपनी है जो एजेंट की तरह काम कर रही है, कोई कंपनी जो है वो एजेंट की तरह भी काम कर सकती है और प्रिंसिपल की तरह भी काम कर सकती है. एज अ प्रिंसिपल काम कर सकती है, एज एन एजेंट काम कर सकती है. यानी कि कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे कंपनी काम कर रही है एज एन एजेंट एंड एज अ प्रिंसिपल. तो अगर कंपनी ही डिसॉल्व्ड हो जाती है, कंपनी ही पूरी ख़त्म हो जाती है, तो कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी भी पूरी हो जाती है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मैं इसी तरीके के वीडियो बनाती हूँ और सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ. सेकेंडली, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ ज्वाइन करके आप नोट्स को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री. थैंक यू.